गुड इवनिंग। आज हम एगलेस केक बनाने जा रहे हैं तवा पर। कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में आपने केक बहुत बनाए होंगे, पर इस तरह का सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक आपने तवे पर कभी नहीं बनाया और खाया होगा। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये कितना फूला फूला और रुई जैसा सॉफ्ट बना है। आप इसका स्पॉन्ज देखिए, बहुत ही टेक्सचर में ये सॉफ्ट बनता है। तो इसका हम एक सेटअप रेडी कर लेते हैं। तवे पर बनाना है तो तवे को हम गरम कर लेंगे पहले। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने एक तवा रख दिया। इसके ऊपर आप कोई भी स्टील का या जो भी आपके पास पतीला या कोई बर्तन हो उसे ढक दें और इसे प्रीहीट होने दें। केक के लिए बाकी की जो चीज़ें हमें लगेगी वो भी हमने मेज़रमेंट के हिसाब से ली है। तो ये एक कप भर के मैंने मैदा लिया है, जो 250 ml का कप है। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी हम नाप से ले लेंगे। और 2 tablespoon हमने इसमें ऑयल लिया है और 2 tablespoon इसमें हमने बटर लिया है। और घर पे बना हुआ कंडेंस मिल्क यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो मार्केट से लाया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक दे दूँगी तो आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है तो आप इसे बना के रख भी सकते हैं। 200 ग्राम इसमें हम कंडेंस मिल्क भी डालेंगे। तो मैंने इसे एक कप में निकाल दिया है। केक टिन को हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट किया और ऊपर से हमने इस पर बटर पेपर लगा लिया है। और बटर पेपर पर भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे तो केक जो है वो इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। तो केक टिन भी हमारा रेडी है, तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। एक बड़ा मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लेंगे और इसमें हम 2 tablespoon बटर डालेंगे और 2 tablespoon हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो जो सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट हैं उन्हें हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एयर कॉर्पोरेट हो जाएगा तो केक जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी और फूला फूला बनेगा। वेट इंग्रेडिएंट को हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क कर लिया। अब हमें इसमें मैदा मिलाना है, तो इसी के ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया। तो हमें मैदे को अब छान लेना है। तो एक कप भर के हमने यहाँ पर मैदा लिया है और 2 teaspoon हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर जो आप लें इस तरह से लेवल करके लें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर के नहीं लेना है। चम्मच में डाल लेने के बाद इस तरह से इसे लेवल कर दें। तो 2 teaspoon इसमें हमने बेकिंग पाउडर मिला दिया। अब हम इसमें 1 teaspoon बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। तो उसे भी हम इसी तरह से थोड़ा सा लेवल करके लेंगे। मैदा भी हमने इस तरह से कप में लेवल करके लिया था। तो सारे मेज़रमेंट जो हैं आप अच्छे से लेवल करके उसमें से एक्स्ट्रा जो आटा या एक्स्ट्रा जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है वो हटा कर ही लें। तो 1 teaspoon इसमें बेकिंग सोडा भी हमने डाल दिया। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से मैदे को, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को छानना ज़रूरी है। तो सारे इंग्रेडिएंट को हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब हम वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने 1/4 cup दूध लिया है। तो दूध की जितनी ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करते जाएंगे। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये काफ़ी थिक है, पर दूध आप एक साथ ही इसमें ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके दूध हम ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें 3 से 4 चम्मच दूध ऐड कर देते हैं। 1/4 cup मैंने दूध लिया हुआ है। थोड़ा डालने के बाद विस्कर से हम अब इसे विस्क करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है हमें। आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ही ऐड कर रही हूँ, एक साथ इसमें आप दूध ऐड ना करें। तो थोड़ा सा दूध इसमें और डलेगा तो वो हम डाल देते हैं। थोड़ा सा दूध इसमें मेरा बच गया है, 1/4 cup मैंने दूध लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। हमें थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और थिक होना चाहिए, पर पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो चलिए बैटर रेडी हो गया है। इसे स्पून से थोड़ा सा हम और कट एंड फोल्ड के मेथड से फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा केक टिन है वो भी रेडी है, तो उसमें अभी हम बैटर को डाल देते हैं। तवा पर केक बहुत बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। आप खुद ही देख सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ही औसम है। तो इस रेसिपी को दोस्तों आप ट्राई ज़रूर करें। तो केक टिन में हम अच्छे से बैटर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे।
बैटर को हमने टिन में डाल दिया है। इसे एक से दो बार अच्छी तरह से हम टैप कर देंगे। इस तरह से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तवा भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो सावधानी से मैंने 2 नैपकिन लिए हैं और उससे हमने पतीले को हटा दिया। अब हम इस पर बीच में केक टिन भी अरेंज कर देंगे और पतीले को हम फिर से ढक देंगे। और फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है, तो 5 मिनट इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। और 5 मिनट के बाद जिस तरफ से आप गैस बंद करते हैं उस तरफ से ये और भी लो हो जाता है, तो बिल्कुल लो फ्लेम से भी लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट हमें और रखना है। मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ, जिस तरफ से आप गैस को बंद करते हैं उस तरफ से आप इसे टर्न करते जाइए और जहाँ तक बिल्कुल स्लो हो जाए उस पर इसे आप 15 मिनट के लिए और रखें। तो पहले तो ये फुल हो गया, इसके बाद आप इसे बिल्कुल और लो करते जाएं। 20 मिनट में आपका ये केक रेडी हो जाएगा। आप इसे वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हैं, ये बिल्कुल लो हो गया है। तो 15 मिनट इसे हम और कवर करके रखेंगे। अच्छा, और दोस्तों मैं ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना पहले भूल गई थी, तो मैं इसे 1 सेकंड के लिए खोल के ड्राई फ्रूट इस पर थोड़े से मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। आप पहले ही डाल दीजिए, मैंने डालना भूल गई थी, तो हम इसे वापस से कवर कर देंगे। तो 15 मिनट अब हो गए हैं, तो इसे हम थोड़ा सा खोल के चेक कर लेंगे और एक टूथपिक हम इंसर्ट करेंगे बीच में, साइड से चारों तरफ से इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये एकदम क्लीन है, साइड से भी हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये क्लीन निकल आई है, केक पक गया है। हमने फ्लेम बंद कर दिया पर इसे हम 5 मिनट ढक के रख देंगे। इसी तरह से इसे एकदम से हम नहीं निकालेंगे, 5 मिनट इसे बंद गैस में ही हम रहने देंगे। 5 मिनट और हो गए हैं दोस्तों, अब हम फाइनली केक को निकाल लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और साइड से थोड़ा सा नाइफ से इसे लूज़ कर देंगे। इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट पर हम इसे पलट देंगे। थोड़ा सा ये अभी भी गर्म है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करें। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। तो केक बहुत इजीली निकल आता है क्योंकि इसे हमने बहुत अच्छे से ग्रीस भी किया था और बटर पेपर भी इस पे हमने लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा सावधानी से हम बटर पेपर भी इसका निकाल देंगे। एक बार और फ्लिप करके इसे हम सीधा कर लेंगे। एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक ऑन तवा रेडी हो गया है। ये बहुत ही मॉइस्ट बना है, खाने में ये बहुत बहुत यमी है। तो चाय के लिए ये बेस्ट केक है, टी टाइम में इसे आप बना के सर्व कर सकते हैं। मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। इसका स्पॉन्ज देखिए आप कितना प्यारा आया है। तो ये यमी केक की रेसिपी आप ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच।